नौवीं पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल प्रकाश पर्व से होने वाले समागमों बारे प्रबंधा का जायजा लैन लई जिला पदरी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग विच मेयर करमजीत सिंह रिंटू, डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खहरा, ADC हिमांशु अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर कोमल मित्तल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग दौरान आख्या गया कि यह यकीनी बनाया जाएगा कि इन्हें समागमों दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो। इस मीटिंग दौरान कई अहम फैसले भी किए गए। उतें ही मौजूद अधिकारियों के सुझाव भी लिए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी असी सारे बड़े धूमधाम नाल मना रहे हैं, पर इतने अज सारिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिशियल्स भी आए थे। DC साहब वालों सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी सारे की अज इतने साड़ी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई है और खास करके जो कोविड की सिचुएशन बनी है उस दे उत्ते भी सारा बड़ा गंभीरता नाल सोचा गया कि यह समागम किस तरह मनाए जाने हैं। सो उस अज श्रोमणी कमेटी नाल भी यही विचार हुई और जिहड़ियां ड्यूटियां साडियां नगर निगम दियां बनदियां या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दियां बनदियां अज असी आपस च वंड के उन्हां दे उत्ते काम करना शुरू कर दिता। और जो नगर निगम दे प्रव्यू आउंदा उहदी मैनूं अज खुशी है कि नगर निगम वालों और पंजाब सरकार वालों लगभग 3.25 करोड़ रुपए के जिहड़े डिवेलपमेंट के कार्ज ने वह सिर्फ गुरु के महल और कोठा साहब गुरुद्वारे के चौगिरदे च करवाए गए हैं। गुरु साहब का 400 साल जिहड़ा समागम आ रहा हैगा है उहदे बारे असीं अज डिटेल मीटिंग की सी, क्योंकि काफ़ी साढ़े डिवेलपमेंट के जिहड़े हैगे ने काम वो शहर च और बाबा बकाला साहब विखे चल रहे हैं। एक तो उन्होंने सारे कामों की समीक्षा की है कि वो साढ़े काम जिहड़े है तकरीबन 25 तरीक तो पहला सारे मुकम्मल हो जाने चाहिए ने। दूसरा उत्थे किस तरह के इंतजाम करने ने, SGPC वालों भी सारों असी बुलाया सी, उन्होंने सैकटरी साहब आए थे कि उन्होंने की सोच है, कोई कमी पेशी तो नहीं हैगी, जे है तो किहड़े डिपार्टमेंट नाल रिलेटेड है। सारे डिपार्टमेंट्स इत्थे आए हुए सी, मानयोग मेयर साहब, कमिश्नर कारपोरेशन सारे सीगे, अपना कमिश्नर पुलिस वालों उन्होंने ऑफिसर्स अज इत्थे आए सी।